नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे देश में चल रहे तीनों कृषि कानून के विरोध में चल रहे आंदोलन के बारे में। इस आंदोलन के सूत्रधार राकेश टिकैत के बारे में जानेंगे कि आखिर राकेश टिकैत है कौन और इनका राजनीतिक कैरियर कहां से शुरू हुआ। पिछले दो महीने से चल रहे किसान आंदोलन 26 जनवरी की हिंसा के दिन आकर लगने लगा कि अब खत्म हो जाएगा, लेकिन राकेश टिकैत ने मोर्चा संभाला और आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। 26 जनवरी की घटना के बाद से किसान बॉर्डर से घर जाने लगे थे, लेकिन राकेश टिकैत के भावुक होने वाले वीडियो वायरल होने के बाद से एक बार फिर किसानों की ट्रॉलियां अब धरना स्थल की ओर आने लगी है। अब राकेश टिकैत में एक नई ऊर्जा देखी जा सकती है। हिंसा मामले में जिन नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज की गई है उनमें राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव समेत कई लोगों का नाम शामिल है। एक समय था जब देश में तीन किसान नेता बड़े चर्चित हुआ करते थे, चौधरी चरण सिंह, देवीलाल और तीसरे थे महेंद्र सिंह टिकैत। आपको पता है कि चौधरी चरण सिंह और देवीलाल एक बड़ी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन महेंद्र सिंह टिकैत की पहचान एक विशुद्ध किसान नेता के तौर पर थी। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह टिकैत ने ही भारतीय किसान यूनियन को खड़ा किया था। उनका परिचय आज यहाँ इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि उन्हीं से राकेश टिकैत की पहचान जुड़ी हुई है। राकेश टिकैत कभी दिल्ली पुलिस में थे, लेकिन किसानों के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। चुनाव में हार मिली पर हिम्मत नहीं हारी। दो महीने से चल रहे इस किसान आंदोलन को खड़ा करने में उनकी बड़ी अहम भूमिका रही। आइए जानते हैं इस किसान नेता के बारे में विस्तार से। सबसे पहले बात, कौन है राकेश टिकैत? राकेश टिकैत महेंद्र सिंह टिकैत के दूसरे बेटे और नरेश टिकैत के भाई हैं। राकेश टिकैत का जन्म सौली गांव में 4 जून 1969 को हुआ था। उनकी पहचान ऐसे व्यवहारिक नेता की रही है जो धरना प्रदर्शनों और आंदोलनों के साथ साथ किसानों के व्यवहारिक हित की बात करते हैं। वे इस वक्त भारतीय किसान यूनियन यानी कि BKU की कमान संभाल रहे हैं। वे संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। ये संगठन उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत समेत पूरे देश में फैला हुआ है। अब बात नौकरी छोड़कर कैसे बने किसान। राकेश टिकैत ने मेरठ यूनिवर्सिटी से MA की पढ़ाई की। उन्होंने कानून की पढ़ाई यानी कि LLB की पढ़ाई की है। वर्ष 1992 में दिल्ली पुलिस में नौकरी करते थे। वर्ष 1993-94 में दिल्ली में लाल किले पर उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में किसानों का आंदोलन चल रहा था। सरकार ने आंदोलन खत्म करने के लिए उन पर दबाव बनाते हुए कहा कि अपने पिता और भाई बंधुओं से आंदोलन खत्म करने को कहें। इस स्थिति में राकेश टिकैत किसानों के साथ खड़ा हुए और दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ राकेश टिकैत ने भारतीय किसान यूनियन के साथ किसानों की लड़ाई में सक्रिय हो गए। पिता महेंद्र सिंह टिकैत की कैंसर से मृत्यु के बाद उन्होंने भारतीय किसान यूनियन यानी कि BKU की कमान संभाल ली। बलियान खाप से आने वाले प्रभावी शख्सियत महेंद्र सिंह टिकैत की मृत्यु के बाद बेटे यानी कि राकेश के बड़े भाई नरेश टिकैत ने भारतीय किसान यूनियन का अध्यक्ष बनाया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि खाप के नियमों के मुताबिक बड़ा बेटा ही उत्तराधिकारी हो सकता है। हालांकि संगठन के कर्ता धर्ता रहे राकेश टिकैत ही हैं, उन्हीं के हाथों में भारतीय किसान यूनियन की कमान है। नेतृत्व करने की क्षमता को देखते हुए उन्हें भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया। राकेश टिकैत सक्रिय तौर पर काज कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने राजनीति में भी दाव आजमाया। पहली बार उन्होंने 2007 में मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा, हार गए। फिर 2014 में अमरोहा जनपद से राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से उन्हें टिकट दिया, लेकिन लोकसभा चुनाव भी वो हार गए। अब बात उनके जेल जाने की। किसानों की लड़ाई के दौरान राकेश टिकैत 40 से अधिक बार जेल जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में एक बार हुए भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ उन्होंने 39 दिनों तक जेल में रहना पड़ा। इसके बाद उन्हें दिल्ली के संसद भवन के बाहर गन्ना के समर्थन मूल्य बढ़ाने के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने जब गन्ना जलाकर विरोध जताया था, इसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। राजस्थान में ही एक बार उन्होंने किसानों के हित में बाजरे का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग पर प्रदर्शन किया। इस बार उन्हें जयपुर जेल भेज दिया गया। इस बार राकेश टिकैत केंद्र सरकार की किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और उन पर जिला प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प यह है कि राकेश टिकैत और सरकार के बीच में किस तरह की सहमति बनती है, क्योंकि राकेश टिकैत के भावनात्मक वीडियो वायरल होने के बाद से किसान एक बार फिर से धरना स्थल पर लौटने लगे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।